तो हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत आप सभी का मेरे चैनल ऑल स्टडी फॉर यू में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे उम्र आप किसी भी व्यक्ति का या आप किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे या बहुत बड़े कोई भी हो किसी का भी उम्र आप 2 सेकेंड में या 2 मिनट में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें और आपको 2 एग्जाम्पल देके बताऊंगा दोनों अलग अलग तरीका से कि किस तरीके से निकाल सकते। अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तभी आपको समझ में आने वाला, अन्यथा समझ में सवाल नहीं आने वाला। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि कॉमेंट बॉक्स में आता है क्या। कमेंट बॉक्स में एक आया था कि सर कि आप हम 1 महीना को 31 दिन माने या 30 दिन। यहाँ पे लिख दे कि 1 महीना में 31 दिन माने या 30 दिन। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 31 दिन माने या 30 दिन। और 1 वर्ष में आपको पता है 12 होता है तो 12, ये तो कन्फर्म। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो किसी भी व्यक्ति का जगह अगर उम्र निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे आज की डेट, जैसे कि अभी का डेट जो है यहाँ पे कि 30 तारीख आज है और उसके बाद 7वां महीना है और कौन सा 2021 है। ठीक है, 30/7/2021 है। तो इस तरह का अगर आपको देखने को मिले तो इस तरह का हो गया, ये आज का डेट हुआ, आज का डेट में और उस व्यक्ति का जन्मतिथि जिस दिन है उसको नीचे लिख देना है। मतलब आज का डेट में उस व्यक्ति का जन्मतिथि को माइनस करना है। ठीक है, यही करना है माइनस। ठीक, माइनस तो कर सकते हैं लेकिन किस तरह से माइनस किया जाता है इसको समझना है, सिर्फ इसी को तो बात है, सिर्फ समझना किस तरह से माइनस किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 30, यहाँ पर 31, तो इसको कैसे माइनस होगा। यहाँ 30 है, यहाँ पे 31, ये नहीं कि यहाँ पे 1 लिख दे माइनस लिख दे, वैसा नहीं। तब तो छोटा बच्चा जो भी है वो तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में कभी उम्र होगा नहीं, जब भी होगा प्लस में होगा। इसी तरह यहाँ पे 30 है और यहाँ पे क्या है 7वां, यहाँ पे क्या है 7। तो ये बताइए कि 7 जो है, यही ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे समझना है, ये समझना था कि यहाँ पे 7वां महीना जो आता है किसका आता है, 31 का आता है, 31 का महीना लगता है या 30 का लगता है, ये समझना था कि ये 7वां महीना है, यहाँ पे 7वां महीना कि 7वां महीना 31 का लगता है या 30 का, ये समझना है। ठीक है, तो यही समझना कि 7वां महीना 31 का जुलाई लगता है, तो कितना 31 जोड़ेंगे इसमें, जब भी यहाँ पे कुछ नहीं घटे, जब भी जुटेगा इससे 1 महीना प्लस होगा, 1 महीना जब भी होगा कितना होगा 1 माह प्लस होगा, कितना होगा 1 महीना का प्लस होगा। ठीक है, 1 महीना का प्लस आपको बता दिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 1 महीना अगर इसमें प्लस कीजिएगा तो कितना होगा 30, और यहाँ पे 30 लिखेंगे, 30 और 1 महीना 31, कितना हो गया 30 31, कितना हो गया 61। 61 को अब जो है 31 में घटाएंगे, 31 में 61 को 31 में घटाएंगे तो कितना मेरा बचेगा, यहाँ पे बचेगा 30 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 30 बच गया, तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे तब कितना महीना बचा, 6 महीना बचा, यहाँ पे कितना महीना 6 महीना बचा, तो 6 महीना बचा और यहाँ पे 8 महीना, तो 6 महीना में 8 महीना तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पे 2021 से 1 वर्ष इससे ले लेंगे, 1 वर्ष इससे लेंगे तो यहाँ पे कितना 12 महीना, कितना यहाँ पे 6 महीना है, 6 महीना माह, और यहाँ पे 1 साल इससे ले लेंगे, 1 साल में कितना माह 12, तो 12 महीना ले लेंगे, 12 महीना तो कितना 12 6 18 होगा, यहाँ पे 18 में आपको घटाना है कितना महीना 8 महीना, 18 में 8 महीना, यहाँ पे समझाने के लिए लिख दे 18 में 8 महीना घटाना है। ठीक है, 18 में 8 घटाइए कितना बचा 10। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1 साल ले लिए तो पैसा यहाँ सिर्फ 2000 बचा, यहाँ पे कितना बचा 2020 ना बचा, यहाँ पे 2021 था, 1 साल इसमें डाल दिए तो 2020 बचा, 2020 में अगर 2000 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा 20। तो ये इसका निकल गया आंसर, मतलब क्या कि ये निकल गया दिन, ये दिन है और ये माह है और ये है वर्ष, ये क्या है वर्ष, मतलब क्या कि 30 दिन 10 महीना, ये मतलब 20 वर्ष 10 महीना, 20 साल 10 महीना 30 दिन का ये इसका डेट, मतलब इसका जन्म जो हुआ था इतना दिन अभी तक हुआ, 20 साल हुआ 10 महीना हुआ 30 दिन। ये आपको किस तरह का सवाल लगा, कैसा सवाल लगा, अगर आई होप ये आपको सवाल समझ में, तो वीडियो को ठोक कर लाइक कीजिए। एक एग्जांपल आपको अगर लेके समझा देते तो आपको पूरी सवाल समझ में आ जाएगा।
तो चलिए आप एक सवाल और ले लीजिए, बहुत आसान सवाल। इस तरह का अगर किसी का जन्म आपको देखने को मिले तो आप इसको आसान तरीका से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जन्म था, जन्म जो था यहाँ पे नीचे लिखेंगे, जो अभी का डेट है उसको ऊपर में लिखेंगे और जो जन्म का डेट है उसको नीचे लिख के इसको घटा देंगे। यहाँ पर सिंपल सा ये बोला, अगर आपको इस तरह का मिले तो आप आसान तरीका से निकाल सकते हैं। यहाँ से 30 में 23 को घटाएंगे कितना बचेगा मेरा, 7 बचेगा। कितना, 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 7 में घटाएंगे कितना बचेगा, 05 बचेगा। और यहाँ पे 21 में क्या घटाएंगे, 5, तो कितना बचेगा मेरा, 16। इसका जो है ये निकल गया दिन, ये दिन, ये माह और ये जो है ये वर्ष। मतलब क्या, इस लड़के का जो जन्म हुआ है कितना दिन हुआ, 16 साल 5 महीना 7 दिन, इतना सही उम्र इसका हुआ है। तो इस तरह का अगर मिले तो आप खुद से निकाल सकते हो, बहुत आसान। जैसे घटाते उस तरह से आप घटा दें, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आई होप ये आपको सवाल समझ में आएगा, तो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को लेकर आते, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और भी सारी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, किस तरह का आपको सवाल चाहिए, तो आप एक बार फीडबैक देना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को लेकर आते हैं।